हेलो अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस माय यूट्यूब जर्नी। इस वीडियो में मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में आपको मालूमात फराम करने जा रहा हूँ इन टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू, विच आर क्वाइट सेम। इन इंग्लिश हिंदी और उर्दू में हिंदी और उर्दू आपस में मिलती जुलती हैं ज़्यादातर। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई क्लास, in my ninth class, एक दिन मैं अपनी नाहम की क्लास में बैठा हुआ था। my english teacher came, मेरा इंग्लिश का अंग्रेज़ी का उस्ताद आया। he told his youtube story, his video got more than 100k views, उसने मुझे क्लास को अपनी youtube story बताई और उसने उन्होंने बताया कि उनकी एक वीडियो 1 लाख व्यूज क्रॉस कर चुकी है। आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल ऑन नेक्स्ट डे, मैं इंस्पायर हुआ और अगले ही दिन मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। आई क्रिएटेड दैट चैनल 5 years ago, यू कैन सी माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दैट चैनल ओवर हेयर, मैंने वो चैनल 5 साल पहले बनाया और उसकी पहली वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस वीडियो गॉट मोर दैन 200 व्यूज, इस वीडियो पर 200 से ज़्यादा व्यूज़ आए। दिस चैनल वाज ऑन माय कज़न मोबाइल, ये चैनल मेरे कज़न के मोबाइल पर था, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कंटिन्यू विद दिस चैनल, इसलिए मैं ये ज़्यादा टाइम ये चैनल उस मोबाइल पर ना चला सका। आई लर्नड फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट चैनल, उस चैनल से मैंने यूट्यूब की कुछ चीज़ें सीखी, लाइक हाउ टू पुट कस्टम थंबनेल, हाउ टू कस्टमाइज यूर चैनल, हाउ टू टाइटल, हाउ टू राइट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैश टैग्स। उस चैनल पर मैंने टाइटल टैग्स, हैश टैग्स और थंबनेल्स वगैरह और चैनल की कस्टमाइजेशन वगैरह करने सीखे। आफ्टर दैट आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल ऑन माई मदर्स फ़ोन, उसके बाद मैंने अपनी वालदा के मोबाइल पर एक नया चैनल बनाया। दैट चैनल गॉट मोर दैन 1K सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम आवर्स, उस चैनल पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए और 4000 घंटे उसने पूरे किए। बट आई अप्लाइड फॉर मोनेटाइजेशन ऑन माई दैट चैनल क्वाइट 3 to 4 years ago, बट यूट्यूब डिड नॉट एक्सेप्ट मी इन टू देयर पार्टनर प्रोग्राम। आफ्टर दैट मैंने YPP के लिए अप्लाई किया, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, लेकिन यूट्यूब ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि कुछ पॉलिसीज जो थी वो मैं फॉलो नहीं कर रहा था उस चैनल पर। After that, I created a new channel on my this mobile phone on which you are I am recording this video. उसके बाद मैंने एक तीसरा चैनल इस मोबाइल पर बनाया। अब तक मैं यूट्यूब के का बहुत कुछ नॉलेज सीख चुका था। So far, I have learned a lot of things about YouTube. After on my third channel, progress was very quite well. I got more than 1K subscribers. एंड 4000 वॉच टाइम आवर्स, मैंने तीसरे चैनल पर भी 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए और 4000 घंटे पूरे किए। एंड ऑन माई थर्ड चैनल माई एडसेंस गॉट टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से मेरा तीसरा जो यूट्यूब चैनल था वो टर्मिनेट हुआ। वट इज़ इन वैलिड क्लिक एक्टिविटी, यूट्यूब सेज दैट इफ़ योर चैनल इज मोनिटाइज्ड then you are not allowed to watch your own videos on your own mobile and on any other mobile with your hotspot active on that mobile. If you are turning the hotspot on of your mobile and using the wi-fi on other mobile and watching your own video to increase revenue, then YouTube does not allow this. I don't have knowledge about invalid click activity, that's why after my channel was accepted into YPP, I wanted to check that are ads running on my channel, that's why I watched one video from my mobile phone. And on the next day my AdSense got terminated, that and because of that I was removed from YPP policy, YPP program. Invalid click activity hoti hai YouTube par, jab aapka channel monetize ho jata hai tab aap apni video apne mobile se या अपना हॉटस्पॉट कर किसी दूसरे मोबाइल से नहीं देख सकते,
नहीं तो YouTube क्या करता है, आपका एडसेंस टर्मिनेट कर देता है। और YouTube ने मेरे साथ ऐसा ही किया कि मेरा तीसरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, और मैंने एक ये देखने के लिए क्या मेरे चैनल पर एड्स चल रहे हैं, जब मैंने ये देखने के लिए अपनी वीडियो अपने मोबाइल पर चलाई और YouTube ने अगले ही दिन मेरा जो एडसेंस का अकाउंट था वो टर्मिनेट कर दिया। आफ्टर दैट आई क्रिएटेड दिस फोर्थ चैनल। नाउ आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ दिस फोर्थ चैनल। और अब मैं आपको इस चौथे चैनल की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। सो आई क्रिएटेड दिस चैनल इन अप्रैल 2023, एंड सो फार इट हैज़ बीन मोर देन 1 year and 3 to 4 months। आई गॉट मोनिटाइज इन फर्स्ट 2 to 3 months। मेरा ये वाला चैनल पहले 2-3 माह में मोनिटाइज हो गया। आफ्टर दैट आई कंटिन्यू अपलोडिंग शॉर्ट वीडियोज़। उसके बाद मैंने लगातार शॉर्ट वीडियोस अच्छी अच्छी बनाना और अपलोड करता रहा, बट आई डिड नॉट गेट मच रेवेन्यू फ्रॉम शॉर्ट्स वीडियोस। लेकिन मुझे शॉर्ट वीडियोस पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड क्रिएट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। तो मैंने सोचा मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाना चाहिए। दैट्स व्हाई आई सर्च फॉर टॉपिक्स। इसके लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए टॉपिक्स मैंने सर्च किए। आई फाउंड सम टॉपिक्स लाइक व्लॉगिंग, एजुकेशनल वीडियोस ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड सम अदर फन फैक्ट्स रिवीलिंग एक्टिविटीज लाइक दैट, लाइक क्रिकेट। देन आई स्टार्टेड टू अपलोड सच वीडियोस। फिर मैंने मुख्तलिफ चीज़ों प्लेटफॉर्म पर सर्च किया। मैंने ये सर्च किया कि लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, किन टॉपिक्स पर मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना चाहिए, जिसमें से मुझे क्रिकेट की तो मैं शॉर्ट्स वीडियोस ही बनाता हूँ। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में मेरे पास हैं क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूँ मैं, और हमारे पास वीलॉगिंग आ जाती है, और अब अगर कोई और फन फैक्ट एक्टिविटी हो तो वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। एंड आफ्टर वर्किंग मोर देन 1 year and few months, आई हैव रिसेंटली दिस मंथ got payment from YouTube. I have received more than $100 because the minimum payout is $100. एक साल कुछ माह लगातार काम करने के बाद मुझे इस माह YouTube की पहली अर्निंग रिसीव हुई है जो कि $100 से ज़्यादा है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो YouTube पे करता है वो कम अज़ कम $100 होनी चाहिए, तब जाकर YouTube आपको पे करता है। $100 से उनकी पेमेंट स्टार्ट होती है। So if you have any question about YouTube or something like that, then you can ask me in comment section. तो अगर आपका कोई भी question है YouTube या किसी भी को टॉपिक के मुतालिक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू सम एडवाइस, और मैं आपको कोई एडवाइस देना चाहता हूँ। द थिंग इज़ दैट विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। कमिटमेंट के बगैर आप शुरू नहीं कर सकते, और अगर आप लगातार आप काम नहीं करते, यानी अगर मैं लगातार अपलोड ना करता वीडियोस, तो मेरा चैनल अभी 6000 सब्सक्राइबर को पहुंचने वाला है, तो ये हिट नहीं हो सकता था। सो विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश। सो विल मीट यू गाइज लेटर इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़। वेट, I don't have too much equipments. If you are lack of equipments, अगर आपके पास equipments YouTube के लिए equipments नहीं है, यानी आपके पास iPhone नहीं है या कोई आपके पास कैमरा नहीं है, then don't worry. I have used my Android phone. मैंने अपना Android phone use किया है to create videos. You can also use your Android phone or the phone you are using to create some good videos. After you grow on YouTube, you can buy camera, iPhone, something like that, and other YouTube videos equipments. So make sure to keep working, keep struggling, you will grow. Bye bye.